हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? इन विच रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इंटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम एज इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन नाम से क्लियर हो रहा है, विस्थापित कर देना, विस्थापित मतलब हटा देना। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा करके उसका स्थान ले लेता है। तो यही इसके डिफिनेशन में लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, इन विच रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element and form new compound. इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में कैसे बताएंगे हम, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। और उसका स्थान लेकर नया यौगिक बनाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इन विच रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कैसे एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होंगे, वो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में ऊपर होते हैं। जैसे हम लोग क्रम से याद करते हैं, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, इस तरह हम लोगों ने एलिमेंट्स नेम लर्न किए हुए हैं, ना हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, इस तरह याद किया है आप लोगों ने एलिमेंट, याद किया है कि नहीं याद किया, याद कर लीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस फॉर्म में जो लिखे होते हैं, इनमें जो सबसे ऊपर होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, और जैसे जैसे टेबल नीचे की ओर हम लर्न करते हैं एलिमेंट, वो कम क्रियाशील होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा, हाइड्रोजन। हीलियम लिथियम में कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा, हीलियम। जो ऊपर होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और जो नीचे आते जाएंगे वो लेस रिएक्टिव। जैसे रैंकिंग होती है आपके क्लास में, रैंक बनती, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। तो रैंक 1 में जो बच्चा होता है उसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, रैंक 2 में जो बच्चा होता है उसके उससे कम नंबर होते हैं। लेकिन 1, 2 जैसे बढ़ रहा है, नंबर तो 2 वाला ज़्यादा है, लेकिन नंबर ज़्यादा किसके हैं, रैंक 1 वाले के। सेम एज जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, ज़्यादा
क्रियाशील होगा और जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, कम क्रियाशील होगा। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है या उसका स्थान लेकर नया यौगिक बना लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सपोज करिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपके टीचर आते हैं तो आप सभी लोग खड़े हो जाते हैं उनको रिस्पेक्ट करने के लिए। अगर टीचर आपके पास आए और कहे बेटा हटो हमें बैठना है, तो आप हट जाएंगे, टीचर बैठ जाएंगे, हट जाएंगे ना। क्यों हट जाएंगे? क्योंकि जो टीचर है हमसे बड़े हैं, रिस्पेक्टिव हैं, या ये कहें ज़्यादा क्रियाशील हैं, मोर रिएक्टिव हैं, और लेस रिएक्टिव कौन है? स्टूडेंट। तो टीचर स्टूडेंट को हटा सकता है। सपोज करिए टीचर हैं, प्रिंसिपल सर आ जाएं, तो प्रिंसिपल सर ज़्यादा रिएक्टिव हो गए, प्रिंसिपल सर टीचर को हटा सकते हैं। टीचर हटाएंगे क्या? टीचर खुद हट जाएंगे, अपनी चेयर दे देंगे प्रिंसिपल सर को, दे देंगे ना। तो जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसकी जगह बैठ जाता है, नया पदार्थ बना लेता है। यही विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे कोई ये ए कंपाउंड था और ये बी सी कंपाउंड थे, ये कोई ए कंपाउंड था, ये कोई बी सी कंपाउंड था, इसमें ए मोर रिएक्टिव है, तो ए क्या करेगा? बी को हटा देगा और सी के साथ चला जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए सी और बी अलग हो जाएगा। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ले लेता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर, एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर। Fe क्या है? Fe आयरन है, Cu कॉपर है, SO4 सल्फेट है, यानी Fe आयरन और कॉपर सल्फेट। अब हमको ये बताइए Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। 26 कम है कि 29? 26 कम है। तो अभी मैंने बताया जो कम होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी कि जो Fe है ये मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से, तो Fe क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, कॉपर हट जाएगा और कॉपर की जगह कौन आ जाएगा? Fe। तो बन जाएगा Fe, यहाँ पे क्या है? SO4। कॉपर अलग हो गया, कॉपर इधर चला जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और नया कंपाउंड फॉर्म कर देता है, नया कंपाउंड बना लेता है। Fe प्लस CuSO4 इरिवर्सिबल FeSO4 प्लस Cu। अगली रिएक्शन देखते हैं, क्लोरीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। क्लोरीन ब्रोमीन क्या है? हैलोजन्स हैं। क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है कि ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है? क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लोरीन Br को हटा देगा, K के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा KCl और Br अलग हो जाएगा, Br2। क्या अलग होगा? Br2 अलग होगा। अब हम चाहें तो रिएक्शन को बैलेंस भी करते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ Br कितने हैं? दो हैं, यहाँ एक Br है, तो यहाँ पे हमने 2 Br कर दिया, 2 ब्रोमीन कर दिया। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम भी 2 हो गया, तो इधर हमको 2 पोटेशियम करना पड़ेगा। पोटेशियम 2 करते ही क्लोरीन 1 है और इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो Cl2 प्लस KBr, KCl प्लस Br2। एक और रिएक्शन बताएं, जिंक प्लस फेरस सल्फेट FeSO4। अब जिंक और Fe में कौन ज़्यादा क्रियाशील है? जिंक। तो जिंक क्या करेगा? Fe को हटा देगा, यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe।
जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को हटा देता है और नया कंपाउंड बना लेता है, इसे ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब तक आपको विस्थापन अभिक्रिया की बात समझ में आ गई होगी। जैसे आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल, तो आप उसकी डिफिनेशन बता देंगे। क्या बताएंगे? डिस्प्लेसमेंट से हमको याद रखना, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कर देना। कौन डिस्प्लेस करेगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को। जो ज्यादा क्रियाशील होता है वही तो कम क्रियाशील को हटाएगा। इन विच रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल अब आपको कोई एक याद रखना है, चाहे वो आप ये याद रख लें या ये, या मैंने जो एक पहले बताया था याद रख लीजिए, Zn plus FeSO4, Zn SO4 plus Fe। इधर वाला पार्ट आप याद कर लीजिए कि किसकी क्रिया किससे करानी, उसके बाद डिस्प्लेस कर रहे हैं, देख लेंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव है उस वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा, यानी कि Fe यहाँ से हट जाएगा। Fe हट गया, SO4 के साथ कौन आ गया? जिंक। Fe अलग हो गया।